मानव जन कल्याण सेवा संस्थान जयपुर में आयोजित निशुल्क सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन गणपति पैलेस धावास रोड जयपुर में हुआ। इस अवसर पर परिणय सूत्र में बंधे सर्व समाज के 4 जोड़े बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत वर वधु को शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर वर वधु को उपहार के रूप में सोने व चांदी के 5 आभूषण दिए गए। दुल्हन के कपड़े, हाथ की घड़ी, LCD प्रेस, पंखा, बेड, गद्दा सेट, ड्रेसिंग टेबल, कंबल, 2 तकिए, बेडशीट, सेंटर टेबल, 2 कुर्सियां, चौकी, 21 बर्तन सेट, वेजिटेबल कटर, दीवार घड़ी, वरमाला, तोरण धाम आदि सप्रेम दिए गए। आयोजक अमरचंद कुमावत, अध्यक्ष मानव जन कल्याण सेवा संस्थान ने बताया कि इस अवसर पर प्रतिभा सम्मान समारोह का भी आयोजन हुआ। उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन को आगे बढ़ाते हुए 10वीं व 12वीं परीक्षा में 80% या उससे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले 411 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सर्व कुमावत क्षत्रिय महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष रामेश्वर बम्बूरिया, राष्ट्रीय कर्ण सेना श्री शिव सिंह जी शेखावत, चेतन धुंधरिया, हर्ष कुमावत, पवन कुमावत, सौभाग्य सिंह राठौड़, रामनिवास सिंघानिया, विजय खुड़िया, उमेश सिंह राठौड़, अमरचंद मंडावरा, मोहित कुमावत, सत्यनारायण कुमावत, लक्ष्मी नारायण कुमावत, बबलू कुमावत, रतन नागा, कैलाश कुमावत, प्रीतम जाजूरिया, मालीराम कुमावत, हरिशंकर, पप्पू और जगदीश टेपण आदि उपस्थित थे। क्रम करते आ रहे हैं संस्था के बैनर के नीचे। ये 5वां सामूहिक विवाह सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह, द्वितीय प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम है यहाँ इस गणपति पैलेस और जगदम्बा पैलेस गार्डन के अंदर रखा गया है, धावा क्षेत्र के अंदर। और सभी इन आसपास के क्षेत्र की जितनी प्रतिभाएं हैं उनको, प्रतिभाओं को निखारने के लिए इस मंच के आधार पे हम लोग इनका सम्मान करते हैं ताकि ये प्रतिभाएं आगे से आगे अपने जज्बे को और मजबूत बनाती रहे। साथ ही गरीब परिवार की जैसे बच्चियाँ हैं या आसपास के क्षेत्र में क्या मजदूर लोग भी ज़्यादा रहती है तो उनके पास रोज़ कुएँ खोदने और रोज़ पीने वाली कहानी सार्थक होती है तो उनके पास इतना धन नहीं कर पाते वो संचय अपने पास कि वो अपने परिवार बच्ची का पालन पोषण करने के साथ में उनका अच्छे से विवाह संपन्न करवा सके। लेकिन इस संस्था के बैनर के नीचे मैं आज 45वीं शादी यहाँ इस गार्डन के अंदर होगी इस संस्था के बैनर के नीचे, जिसमें निःशुल्क रूप से तमाम कोई सा भी सर्व समाज हो, सब समाज की बच्चियों की शादी इस मंच के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क कराई जाती है, जिसमें उपहार स्वरूप दिए जाने वाले सभी सामान इस संस्था के बैनर के नीचे दिए जाते हैं। साथ ही पूरी जिम्मेदारी इस संस्था के सदस्य और आसपास के क्षेत्र के निवासी बखूबी निभाते हुए एक अच्छा दाम्पत्य जीवन जीने के लिए उनको आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो करीब 25-30 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है, 25-30 प्रतिभाओं को। कितने जोड़ों की शादी? अभी तो 4 जोड़ों का यह सम्मेलन किया जा रहा है क्योंकि हमने बीच में इसकी लास्ट तारीख थी वो ख़त्म होने के कारण हमने जोड़े तो आ रहे थे और आ रहे थे, कम से कम 5-7 जोड़े और आ रहे थे, लेकिन समय पूरा हो गया था इसलिए हमने जोड़े लिए नहीं और 4 जोड़ों का ही हमने ये विवाह करने की है। जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष भाई अमरचंद जी कुमावत है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि इनका जज्बा देख करके हमें इतनी खुशी हो रही है कि ये आज ये 45 बच्चियों को ऐसी जगह पर उन्होंने, जिनके पास पैसा नहीं था वो किसी प्रकार से अपना संबंध नहीं कर सकते थे, उनका ऐसे गरीब बच्चियों का इन्होंने विवाह किया और कर रहे हैं। क्लास 10th में 92% बनी थी और इसके दौरान मतलब जो भी हमारी स्टडी थी उसके दौरान हमने हम सुबह 5 बजे उठते थे और लेट नाइट स्टडीज़ की थी और हमारी जो सक्सेस है इसके पूरी सक्सेस के पीछे हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि अकेला बच्चा कुछ भी नहीं कर पाता, अगर उनके टीचर्स उनका साथ नहीं देंगे या फिर उनके पेरेंट्स उनका साथ नहीं देंगे तो बच्चा अकेले कुछ नहीं कर सकता। समाज की ओर से सम्मान मिला है, क्या कहना है? इस मौके पे मैं बहुत खुश हूँ और जो भी मुझे ये मिला है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।